हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नर। और आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है टॉपिक वाइज शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर यूनिट 12 एंड 13। इसके लिए मैंने एक ही प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करा है, क्योंकि जो आपकी यूनिट 12 एंड 13 होती है ये इंटरकनेक्टेड यूनिट होती है और हाईली इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए खाली एक ही प्रेजेंटेशन में सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हमें 12 एंड 13 के बारे में बात करनी है। इससे पहले मैंने यूनिट 11 तक के लिए सेपरेट वीडियोस बनाई थी, तो आप सबसे पहले जाके उन वीडियोस के लिए देख लें, इसके बाद आप यूनिट 12 एंड 13 वाली वीडियोस देखें। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट 12 जो है वो है आपकी अप्लाइड बायोलॉजी, इसमें टोटल 8 सेक्शन है। अब वो जो 8 सेक्शन है उसमें क्या क्या है, जैसे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट, जीनोम एंड इट्स एप्लीकेशन, बायो सोर्सेस, ब्रीडिंग इन प्लांट एनिमल, बायोरिमेडिएशन एंड फाइटोरिमेडिएशन, एंड बायोसेंसर। तो इस तरीके से आपके 8 सेक्शन हैं। अगेन, अब इन 8 सेक्शन को तो हमें प्रिपेयर करना नहीं है, अब उससे पहले हम बात कर लेंगे यूनिट 13 के सिलेबस के बारे में। यूनिट 13 के सिलेबस में अगेन 8 सेक्शन हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने 4 सेक्शन आपको बताए क्या क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक, बायोफिजिकल मेथड एंड स्टेटिस्टिकल मेथड, और अगेन जो है वो है रेडियो लेबलिंग टेक्निक, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड एंड मेथड्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आपके टोटल कितने 8 सेक्शन हो गए। हर एक सेक्शन में आपने देखा कि 7 to 8 टॉपिक हैं, तो अगेन ये 75 to 80 टॉपिक बन जाते हैं। अब इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर पाने और थोड़े से मुश्किल हैं, तो हम करेंगे क्या, हम प्रिपेयर करेंगे इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ। मैंने आपको बताया कि स्मार्ट अप्रोच में हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और सेकंड जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछे गए हैं कि एक्सपेरिमेंटल पूछे गए हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन या मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो आपकी यूनिट 12 एंड यूनिट 13 है उसमें कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन और कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भी पूछते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की, यूनिट 12 एंड 13 के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक्स मेंशन करे हैं। अब वो क्या क्या है, पहले तो है आपकी स्टेटिस्टिकल मेथड, जिसमें 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 37 क्वेश्चन मानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेनिक, जिसमें 37 क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर 23 क्वेश्चन, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक 26 क्वेश्चन, मिसलिनियस कंसेप्ट से 25 क्वेश्चन। मिसलिनियस कंसेप्ट मीनिंग कुछ ऐसे कंसेप्ट, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोर देन 2 to 3 टॉपिक में एक साथ लाई कर सकते हैं, तो वो मिसलिनियस है, उस वजह से मिसलिनियस में 25 क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोपी 22 क्वेश्चन, जीन क्लोनिंग प्रोसेस 19 क्वेश्चन, मॉलिकुलर मार्किंग 18 क्वेश्चन, फ्लोरोसेंस एंड सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी 18 क्वेश्चन, एंड रेडियो लेवल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड फील्ड बायोलॉजी मेथड्स में 18 क्वेश्चन। तो टोटल आपके कितने 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स को आपको सबसे पहले टारगेट करना है। फिर हम बात करेंगे मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक की, मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक में अगेन 10 टॉपिक हैं। वो कौन कौन से, एक है आपका साइटोलॉजिकल टेक्निक जिसमें 17 क्वेश्चन है, प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन 15 क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन 14 क्वेश्चन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन 14 क्वेश्चन, प्लांट टिश्यू कल्चर 13 क्वेश्चन, बायोसेंसर एंड बायोरिमेडिएशन 13 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोरेसिस 12 क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक 12 क्वेश्चन, जीन नॉकआउट एंड जीन थेरेपी 11 क्वेश्चन, एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी 10 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 10 टॉपिक हाई फ्रिक्वेंट है, 10 टॉपिक जो है आपके मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक है। फिर हम बात कर लेते हैं लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में, 11 टॉपिक है, इसमें क्या क्या है, एक तो है आपका एनिमल टिश्यू कल्चर 10 क्वेश्चन, एंजाइम यूज्ड इन जीन क्लोनिंग 9 क्वेश्चन, पीसीआर एंड मॉडिफिकेशन 8 क्वेश्चन, बायोफिजिकल मेथड्स 8 क्वेश्चन, एनएमआर 8 क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी 5 क्वेश्चन, डीएनए एंड प्रोटीन सिक्वेंसिंग मेथड 5 क्वेश्चन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 2 क्वेश्चन, डीएनए डिलीवरी टेक्निक 2 क्वेश्चन, और बाद में जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए, क्या 0 क्वेश्चन कुछ है। ठीक, तो आपको सबसे पहले लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक को साइड में रख दीजिए, पहले आपको क्या करना है हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक और जो आपके मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक है, मतलब जो आपके 20 टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आप उनको टारगेट करिए। इसके बाद आप लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में आपको इसमें जैसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपका एनिमल टिश्यू कल्चर से, एंजाइम के बारे में जो क्लोनिंग टेक्निक में यूज होता है, पीसीआर मॉडिफिकेशन, तो ये सारे टॉपिक्स आप टारगेट कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, आपके जो 20 टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं।
तो आज ही हमारी लास्ट वीडियो थी जो हमने सी एस आई आर के लिए 13 वीडियोस मैंने आपको डे वन पे बताया था, जिसमें टोटल 13 वीडियोस होंगे जिसमें हम 13 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने पूरी 13 यूनिट्स जो है यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे टॉपिक्स बेटा हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं जिनमें हर एक ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इनको इजीली टारगेट करिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये क्वेरीज थी कि हम गेट के लिए भी क्या इसको प्रिपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम गेट एक्सेल बायोटेक्नोलॉजी और जो केमिस्ट्री पोर्शन गेट लाइफ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हमारे एप्टीट्यूड्स वाले हैं उनके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इजीली मिल जाए, और जैसे ही हमारे ये पोर्शन खत्म होंगे उसके बाद हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट करेंगे, तो उसका लेक्चर यहाँ पर आपको पूरा लेक्चर मिलेगा। आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल यहीं पर रहना है, सारी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।